हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशंस मेथड, उससे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के आपके पास हमने स्टार्टिंग बताया था कि दो वे हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशंस मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, और टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट एलिमिनेशन मेथड। ओके, कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखिए, आज के वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसका पूरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा, और आप इस वीडियो कंप्लीट देखें और गारंटीड आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बहुत सिंपल वे में समझ में आपको आएगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग कर हर एक टॉपिक को बताऊंगा कि कहां पे कैसे एलिमिनेट करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना नहीं करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है ना, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक देखें, आपको सारी बात समझ में आपको आएगी। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक आज का है एलिमिनेशन मेथड, आप खुद देखिए एलिमिनेशन मेथड में एक टर्म आ रहा है एलिमिनेट, मींस हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स है, तो हमें करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सब चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, मैं विद एग्जांपल इसे हम देखते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग में बहुत सिंपल एग्जांपल लूँगा, हाँ, तो अब एग्जांपल्स बाय एग्जांपल्स मैं डिफिकल्टीज को बढ़ाऊँगा, बस आप फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसमें हम देखते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज हमने 8 ले लिया। ठीक है, और हमने यहाँ लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब ध्यान समझेंगे, ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। लास्ट वाला आपने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। देखो डियर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। बट आप घर पे क्या करेंगे, आप नोटबुक अपने पास रखें, आप सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो आपको खुद नोटिस करना है कि विच मेथड इज गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, आप खुद देखेंगे। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सपोज ये क्वेश्चन गिवन है, कोई भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको सॉल्व करना है, सिंपली बोला फाइंड दी वैल्यूज, है ना। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ग्राफिकल करना है या अलजेब्रिक करना है। अलजेब्रिक इन द सेंस कि आपको सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर आप इन चार मेथड में जो मेथड आपको बेस्ट लगता है आप उससे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ इन क्वेश्चन वहाँ मेंशन किया हुआ है कि नहीं आपको उस क्वेश्चन को ग्राफिकली ही करना है, तो आप याद रखें उस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करने में डिफिकल्ट हो फिर भी आपको ग्राफिकली करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन जो मेंशन किया हुआ हमें उसे फॉलो करना है। इन शॉर्ट बस इतनी बात ही थी इसकी। चलिए हम इसमें देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसे हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि ये एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, और हमने देखा यहाँ पर एक्स है तो एक भी कंप्लीट इक्वल में एक्स है, यहाँ पर वाई है प्लस को भूल जाइए, ये वाई है तो ये भी कंप्लीट वाई है, माइनस को भूल जाए आप। ठीक है ना, लेकिन हम देखा ये प्लस में है और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, अगर मैं इस माइनस को छोड़ दूँ तो। ठीक है ना, यहाँ भी वाई वाई है और यहाँ भी एक्स एक्स है, लेकिन हमने देखा अगर मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से मैं ऐड कर दूँ तो प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे दूंगा, ठीक है ना, कि आपस में इक्वल नहीं होगा तो कैसे होता है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप पेशेंस रखें बस, है ना। हमने करना है इसमें क्या, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से ऐड करना है। हमने किया इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन हमारा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब जब मैं ऐड करूँगा आप देखिए, ये प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14। क्लियर है, अब ये 2 से ये कैंसिल 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब इस x की वैल्यू 7 को आप ओरिजिनल इक्वेशन में किसी भी दोनों में किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, हमें y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज इसे मैंने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट, अगर मैं इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दूं तो x की प्लेस पे आपको 7 आएगा, फिर प्लस ये y है और इज इक्वल टू में 8 है, 7 को माइनस करें तो y की वैल्यू आपको आ गई 1,
एट में से सेवन माइनस हुआ और वाई की वैल्यू वन आ गई, ठीक है ना। अब खुद देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप सब्सटीट्यूशन से करते तो मेरे अकॉर्डिंगली वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या, अब देखते हैं हम यहाँ पे, सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा हो, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में एट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में टेन। अब समझेंगे ध्यान से, है ना। मैं क्वेश्चंस को भी सिंपल सिंपल लेकर, है ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं इसे डिफिकल्ट करूँगा, फिर आप देखेंगे। बस इतनी बात भी याद रखें, आपको इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको एलिमिनेशन कंप्लीट आएगा, प्रॉमिसली आएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा हमने, ये 2x है और ये x, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये y है, ये y है, दोनों आपस में इक्वल है ना, दो वेरिएबल x और y, तो ये x आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि ये 2x है और x इक्वल होता नहीं है, लेकिन ये y और ये y आपस में इक्वल है। बट हमने एक चीज़ ये देखा कि ये y और y दोनों पॉजिटिव है, इक्वल तो है लेकिन पॉजिटिव है। अगर मैं ऐड करूँगा ना तो 2x प्लस x कितना आएगा 3x, और y प्लस y कितना हो जाएगा 2y। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। बट अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन टू से ऐड कर रहा हूँ, ना तो एक्स एलिमिनेट हो रहा है ना तो वाई एलिमिनेट हो रहा है। वजह क्या है कि जो हमने जैसे इक्वल मान रखा है, जो हमारा इक्वल पहले से दिया हुआ है, वो दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है। अगर साइन सेम होता है किसी भी एक वेरिएबल, जो इक्वल वेरिएबल है, अगर साइन सेम होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो क्या करेंगे, कोई नहीं, हम उस पर भी क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, तो हमने करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आपने क्या किया है, इक्वेशन वन में से, इक्वेशन वन में से माइनस किया इक्वेशन टू को। तो जो इक्वेशन माइनस के बाद दिया हुआ होता है, तो उस इक्वेशन से, ये टू इक्वेशन है, इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में पहले से है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये प्लस का वाई है, अब ये प्लस वाई नहीं रहा, ये माइनस का वाई हो गया, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। अब आप देखें, ये प्लस में 2x है और ये माइनस में x है, ये प्लस में 2x है, ये माइनस में x है, तो 2 में से 1 को माइनस कीजिए कितना आएगा 1x, 1x हम x लिखेंगे, इक्वल टू में ये 8 है, ये माइनस का 10 है, 8 में से माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 2 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू माइनस 2। अब इस x की वैल्यू माइनस 2 को डिपेंड आप ही करता है, आप फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं फर्स्ट में कर दें, सेकेंड में करना चाहते हैं सेकेंड में कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट इन सेकेंड। तो अगर मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ तो x के प्लस पे कितना आएगा, माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस 2 को शिफ्ट करने पे प्लस का 2 होगा, तो 10 प्लस 2 कितना होगा 12। तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, कितना सिंपल वे में आपने आंसर पा लिया इसका। चलिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा होता क्या, चलो मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है आपका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सॉरी प्लस ना लेकर हम यहाँ माइनस ले लूँ, ठीक है ना, फिर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू में 10। अब फिर से देखें यहाँ पे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और ये y वेरिएबल्स आपस में इक्वल, ये भी माइनस ये भी माइनस। अगर मैं यहाँ सपोज मैं इसे इक्वेशन वन ले लूँ और इसे इक्वेशन टू ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो x 2x प्लस x आपका होगा 3x, माइनस वाई माइनस वाई माइनस का 2y, तो ऐड करने पे क्या हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। याद रखेंगे हमेशा और हमेशा हम ऐड कब करते हैं, इस बात को आप केयरफुली माइंड में फिट कर लें। अगर दो वेरिएबल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो उसका अगर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ही ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमने देखा ये y और ये y, ठीक है ना, दोनों का कोफिशियंट्स आपस में इक्वल है, यहाँ भी वन है वाई का, यहाँ भी वाई के वन है, लेकिन यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये माइनस यहाँ होता प्लस यहाँ होता तभी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 2x है, माइनस का वाई है इज इक्वल टू में 8 है, ये x है, माइनस का y है इज इक्वल टू में 10 है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जब हम माइनस करते हैं, माइनस किस पे कह रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो गया, अभी क्या है प्लस का टू एक्स है और ये हमारा क्या है माइनस का एक्स है, तो ये कितना आएगा एक्स आएगा। और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व करने में कितनी वैल्यू आएगी माइनस का टू, क्लियर है। अब हमने करना क्या है, इस एक्स की वैल्यू माइनस टू को किसी भी एक में पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। अगर मैं इसे पुट कर देता हूँ सेकंड में, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे माइनस टू आएगा, तो माइनस का टू माइनस का वाई इज इक्वल टू में टेन, ठीक है। माइनस टू को शिफ्ट करें, माइनस टू को शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा प्लस टू, टेन प्लस टू ट्वेल्व, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12। अब आप कहोगे सर यहाँ और यहाँ पे आंसर अलग है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू थी या माइनस टू है, या y की वैल्यू 12 था या माइनस 12 है, बिल्कुल आप खुद देखें ना, ये इक्वेशन ऊपर वाला हमारा चेंज हो चुका है, नीचे वाला भी चेंज हो चुका है, तो हमारे को वैल्यूज तो अलग ही आएंगी ना, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे y की वैल्यू अलग है, दोनों इक्वेशन अलग है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पे ये दोनों पे नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये किया था किसी एक वेरिएबल को हमने हर जगह इक्वल रखा था, यहाँ भी इक्वल था, ठीक है ना, यहाँ भी इक्वल था। अब हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल को अनइक्वल कर देते हैं, कैसे करने चाहता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा 3x है प्लस में ये 2y है इज इक्वल टू में सपोज ये 6 है। अगला इक्वेशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x प्लस सपोज ये 4y है इज इक्वल टू में ये 8 है, ठीक है। अब आप खुद देखें यहाँ पे, आप या तो प्लस करेंगे यहाँ पे या माइनस करेंगे, दोनों वेरिएबल रहेगा, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो भी एक्स और वाई कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर आप माइनस करेंगे तो भी एक्स और वाई कैंसिल नहीं हो रहा है, मीन्स दोनों में से कोई एक वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं प्लस करूंगा तो 3 प्लस 1 4x हो जाएगा और 4 प्लस 2 6y हो जाएगा, तो 4x प्लस 2y रह गया, एलिमिनेट नहीं हुआ, वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर मैं माइनस करने की कोशिश करूँ, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 3 में से माइनस 1 करोगे तो प्लस का 2x आएगा, और 2y में से माइनस का 4y करेंगे माइनस का 2y होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x माइनस का 2y, है ना। तो दो वेरिएबल्स हैं, आगे की बात क्या है उसको छोड़ते हैं, अभी हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो प्लस करने पे भी माइनस करने पे भी क्या हो रहा है, एक्स और वाई हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसका वजह क्या है कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल आपस में इक्वल नहीं है, क्लियर है। तो हमने क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को आपस में इक्वल करना होता है पहले, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल गिवन था, अब यहाँ पे हमें इक्वल करना है। देखिए ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको इक्वल करना चाहते हैं, आप एक्स को इक्वल करना चाहते हैं, आप वाई को इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, और किसे इक्वल करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ड्यू टू प्रैक्टिस आएंगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली माइंड आपको इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे इस वेरिएबल को आप इक्वल करोगे तो इसके सॉल्यूशंस इजी होगी, ठीक है। अगर करने को मैं चाहूँ तो यहाँ पे वाई को भी इक्वल कर सकता हूँ मैं, लेकिन वाई को इक्वल करने से बेस्ट है कि आप हम यहाँ पर एक्स को इक्वल करेंगे। अब ये बातें हमें पता कैसे चला और ये आपको कैसे मालूम चलेगा, अब मैं समझाता हूँ। आप देखें यहाँ पे सपोज ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इससे पहले एक बात आप और याद रख लें कि चलिए मैं इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा। आप देखें यहाँ पे हमने देखा ये 3x है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन टू में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वल करना ना मैंने, अगर मैं x को इक्वल करना चाहूँगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो इक्वेशन टू के जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बट हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें 3x चाहिए, जब यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x चाहिए। बाद में क्या चेंजिंग हो रहा है हमें उसको नहीं देखना है, लेकिन चेंजिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब बात यहाँ पे ये आई कि सर आप यहाँ पर x को इक्वल कर रहे हो, अगर मैं चाहूँ y को इक्वल करना तो क्या y को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम x को इक्वल करेंगे, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप y को इक्वल नहीं करें, आप y को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सिंपल वे बता रहा हूँ जिससे सिंपल वे में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि इक्वेशन टू में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। तो इक्वेशन टू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 24। बस इतनी बात याद रखेंगे, जिस इक्वेशन में जिस कॉन्स्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
चलिए हम इसे इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमें इसे कंपेयर इसे नहीं करना है, इस फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करना है, क्योंकि ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है इसे हमने ऑब्टेन किया है बाय यूजिंग इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू को भूल जाएं, अब हम कंपेयर करेंगे वन को और थर्ड को। तो हमने देखा यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया और दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे। चलिए, आपके डाउट एक और आएंगे दिमाग में, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। आपके माइंड में ये भी डाउट आ सकता है, सर आप हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर रहे हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन से माइनस? यस, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू किया था, या इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन वन करे, बात एक ही आएगी। यहाँ पे देखिए, माइनस वाले में हमने इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से माइनस किया था, जो वैल्यूज आई हैं, अगर इक्वेशन टू को इक्वेशन टू यहाँ रहता फिर माइनस में इक्वेशन वन यहाँ रहता तब भी कर सकते थे, बस उसमें क्या होता, इक्वेशन टू ऊपर आता और इक्वेशन वन नीचे जाता, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन रहे, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री से माइनस करते हैं। इक्वेशन वन को आपने माइनस किया इक्वेशन थ्री से, फाइन। इक्वेशन वन हमारा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और ये हमारा है 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 24। आप खुद देख रहे हैं हमें क्या करना है, माइनस कर रहे हैं, और माइनस किस पे कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन नीचे में है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, है ना। साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो भी साइन होता है, माइनस का 12y माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल, अभी प्लस का 2y माइनस 12y, तो माइनस में 10y होगी आपको, इज इक्वल टू, आप 24 में 6 को माइनस करें तो माइनस में कितना आएगा आपका 18, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपकी हो गई 18 अपॉन 10, ये कैंसिल कर लें, ये 9 और ये 5, तो y की वैल्यू हो गई 9 अपॉन 5, ठीक है। अब मैं एक अब इसे इस आपकी मर्जी है, इस y की वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड इन दोनों में जहाँ पुट करना चाहते हैं पुट कर ले, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं पुट, लेकिन यहाँ पुट करने से अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने इसमें एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो बेस्ट है कि y की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकेंड में, दोनों में कहीं भी पुट कर लें, ठीक है। और कहाँ पे कैसे करना नहीं करना है, ये ड्यू टू प्रैक्टिस आपको सारी बातें आ जाएंगी। आप 4-5 क्वेश्चन से लगाएंगे, खुद से करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली माइंड ऑन हो जाता है कि नहीं, ये हमें इस क्वेश्चन में इस मेथड को करना है और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं कितना भी समझा दूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस के थ्रू आएंगे, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सपोज किसी टर्म्स में आपको प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा वीडियो बैक करें फिर स्टार्टिंग से देखें, बट गारंटेड समझ में आपको आएगी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, अगर मैं इसे पुट कर दूँ पुट इन 2, अगर मैं 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वर्क आपको खुद से करना है, करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके x की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना। और मैं वेट करूंगा कि आपकी x की वैल्यू क्या आई है, हमें जानना है, मुझे तो पता चले कि आपने इसे किया है सॉल्व या नहीं किया है, ठीक है। तो डू योर सेल्फ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आप बढ़ाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे हमने ले लिया 2x ना लेकर हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा कुछ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, क्या प्लस, चलो प्लस लेने से प्लस ले लें या माइनस, है ना। अब तुम मेरे अकॉर्डिंगली बहुत हद तक आपको समझ में आ चुका है कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि आप इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो वेरिएबल्स आपस में इक्वल हो जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर आप देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, 5y है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और उठता है कि अब यहाँ पे हम किससे इक्वल कर रहे हैं। देखिए एक बात बहुत बारीकी से समझेंगे आप जो बताने जा रहा हूँ, बहुत मीनिंगफुल ये चीज़ है, ठीक है ना। अगर ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी ना, बस ये छोटी छोटी टर्म्स है ये आपको सीखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में आ गई ना तो एलिमिनेशन मेथड ना चुटकी में हो जाएगा आपसे, चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, बस यही टेक्निक सीखना है क्या इक्वल करें। देखो आप ये
हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ मैं थ्री से यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक्स आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ एक्स को इक्वल ना करें। वजह क्या है, हमने देखा ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा और ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करना माइनस करने से ज़्यादा सिंपल लगता है बच्चों को, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप x को इक्वल करके माइनस करके नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर क्या है कि यहाँ पे y को, क्योंकि आपको यहाँ पे भी इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है, और y पाने के लिए भी आपको फर्स्ट में और सेकेंड में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे, सपोज ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, y को इक्वल करने के लिए हमने क्या बोला, इसके कोफिशिएंट्स को रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 5 यहाँ पे है, तो 5 से यहाँ इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मैं 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा ये 15 होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हमने करना क्या है, डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, फिर प्लस कर रहे हैं, है ना, प्लस ही कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 पाने के लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपको 20x हो जाएगा प्लस 15y, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 5 60, क्लियर है। अब इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको 9x होगा माइनस 15y इक्वल टू, 15 में हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं 3 से, तो ये 45 हो गया। हम कर क्या रहे हैं, प्लस, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो आप देखिए प्लस का 15y माइनस का 15y कैंसिल, इन दोनों को ऐड कीजिए 29x, और इसे ऐड कीजिए 105, तो x की फाइनली वैल्यू आ गई 105 डिवाइडेड बाई 29, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसकी वैल्यू डिपेंड आप पे करता है, या तो फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर लें, बट डू योर सेल्फ, ठीक है। तो आप देखिए मैंने इस वीडियो में मैंने एलिमिनेशन मेथड का आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है। कमिंग वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 जो हमारा एनसीईआरटी का है, उसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है हम वो लगाएंगे, उसके साथ साथ कुछ एलिमिनेशंस के एक दो बेसिक्स जो वहाँ पे गिवन है एक्सरसाइज में, हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कमिंग वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड में कुछ भी और प्रॉब्लम है, या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दैट, ओके। तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।